गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग अपनी इंग्लिश वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। समर वेकेशन से पहले हम लोगों ने इंग्लिश वर्कबुक में लेसन वन किया था, आज हम लोग उसके आगे लेसन टू करेंगे इंग्लिश वर्कबुक में, ठीक है। चलिए तो आप लोग अपनी इंग्लिश वर्कबुक ओपन करेंगे पेज नंबर 10 और चैप्टर का नाम है द जज मंकी, ठीक है। बड़ा मज़ेदार कहानी है इसकी। चलिए मैं रीडिंग लगाता हूँ और साथ में आप लोग भी लगाएंगे। वंस देयर वॉज टू कैट्स हु वर वॉकिंग थ्रू अ पार्क। एक बार दो बिल्लियाँ पार्क में घूम रही थी। सडनली दे सॉ अ पीस ऑफ केक लाइंग अंडर अ ट्री। अचानक उन लोगों ने पेड़ के नीचे एक केक का टुकड़ा देखा। बोथ ऑफ देम जम्प्ड ऑन इट एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ एक ही समय पर उस पर कूदी। आई सॉ इट फर्स्ट, इट इज माइन, सेड द फर्स्ट कैट। पहली बिल्ली ने बोला इसको मैंने पहले देखा है इसलिए ये मेरा है। I touched on it first, so it belongs to me, said the other. दूसरी ने कहा इसको छुआ पहले मैंने है इसलिए ये मेरा है। The cat fought for a while and then decided to divide the piece into two. They did not know how to divide. कुछ देर तक वो लोग लड़ती रहीं, फिर उन्होंने सोचा आपस में निर्णय लिया कि क्यों ना इसको हम लोग आपस में बांट लें, ठीक। लेकिन वो इसको कैसे बांटे ये उनको नहीं आता था। ए मंकी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री नियर बाई एंड वॉचिंग द कैट्स फाइट। नज़दीक के पेड़ की एक शाखा पर एक बंदर बैठा था, उसने उनकी बिल्लियों की लड़ाई को देखा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा द पीस ऑफ केक लुक्स टेस्टी, ये जो केक का जो पीस है वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। It would be perfect for me. ये मेरे लिए perfect है। He slowly climbed down the tree and walked towards the cake. वो पेड़ से धीरे से उतरा और बिल्लियों की तरफ गया। Hello friends, can I help you? Asked the monkey. मंकी ने पूछा। मंकी ने कहा कि Hello friends, क्या मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ? One of the cats told the monkey what the problem was and said, why don't you become our judge? The other cat said, please divide the piece of cake for us. उसमें से एक बिल्ली ने उसको कहा कि क्या प्रॉब्लम है वो हमें तुम्हें बताते हैं तो तुम हमारे जज क्यों नहीं बन जाते। दूसरी ने बोला कि इस केक को हमारे लिए क्या करो, पीस कर दो, दो भागों में बांट दो। द मंकी एग्रीड एंड ब्रोक द केक इन टू हाफ, बट वन हाफ वॉज लिटिल बिगर देन द अदर। मंकी तैयार हो गया और उसने क्या किया, केक के दो टुकड़े किए, लेकिन एक टुकड़ा बड़ा था एक टुकड़ा छोटा था। ओह नो, आई विल टेक अ लिटिल बाइट ऑफ दिस बिगर पीस टू मेक बोथ द पीस इक्वल। अरे क्या, अरे नहीं, अब मुझे एक बाइट इसमें से ले लेता हूँ जिससे कि ये दोनों पीस बराबर हो जाएं, सेड द मंकी कनिंगली, चतुराई से मंकी ने कहा। ही टुक अ बिग बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, उसने एक बड़े पीस में से एक बड़ा सा बाइट काट लिया। ओहो, हाउ इट हैज बिकम स्मॉलर देन द अदर, ये कैसे हो सकता है छोटा दूसरे से। आई विल जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बाइट फ्रॉम द सेकेंड पीस नाउ, अब मुझे दूसरे केक से सेकेंड बाइट लेना पड़ेगा, सेड द मंकी विद ग्रीन और हिज फेस, अपने मुख पे चिंता का बना करके उसने उसको खा लिया। द मंकी कॉन्टिन्यूड विथ हिज ट्रिक, मंकी अपनी इस ट्रिक पे चलता रहा। द टू कैट सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, दोनों बिल्लियाँ उसके सामने बैठी थी वेटिंग फॉर देयर शेयर, अपने शेयर के इंतज़ार में। बट द पीस ऑफ केक केप्ट गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और लेकिन जो केक का जो पीस था वो छोटा होता गया। Soon the monkey has finished the entire cake. जल्द ही मंकी ने पूरा केक ख़त्म कर दिया। Rubbing his belly, he said, अपने पेट को सहलाते हुए बोला,
सॉरी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिवाइड द केक, मुझे माफ़ करना, केक को डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स टाइम फॉर मी टू गो नाउ, अब ये समय है मुझे चले जाने का। सेइंग दैट द मंकी रैन अप नियर बाय ट्री एंड वैनिश्ड फ्रॉम साइट, वहाँ से वो गायब हो गया और पेड़ पे चढ़ गया। अब देखो इस कहानी के अंदर दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा हो गया, इसलिए कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमेशा तीसरा फायदा उठाता है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, वाई वर द कैट फाइटिंग, द कैट्स वर फाइटिंग ओवर अ पीस ऑफ केक, द कैट्स वर फाइटिंग FIGHTING फाइटिंग ओवर ए पीस ऑफ केक। ठीक, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अपना वीडियो पॉज करेंगे और इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, Who saw their fight? What did he plan to do? A monkey saw their fight. He decided that the cake would be perfect for him. ठीक, नेक्स्ट, What did the cat ask for monkey to do? Cat asked to monkey to be the judge and divide the cake. Cats asked to monkey to be the judge and divide the cake. ठीक, नेक्स्ट, Was the piece of cake divided equally? Why or why not? The piece of cake was not divided equally and one half was bigger than the other half. The monkey kept biting off bits till no cake was left. आप क्या करेंगे, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जो आंसर दिख रहे हैं उनको अपनी वर्कबुक पे नोट कर लेंगे। कॉपी पे काम नहीं करना, सारा काम जो करना है वो वर्कबुक पे ही करना है। आगे का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय।